हंगामा गुजराती की हर नई पेशकश का मजा उठाएं, बस बेल आइकन और सब्सक्राइब दबाएं। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं गुजरात की मिट्टी की। जी हाँ, मिट्टी की ही। तो गुजरात में सबसे ज्यादा मिट्टी कहाँ होती है? दमन दीव में तो नहीं, कोई रेगिस्तान है क्या गुजरात में? जी हाँ, आप समझ गए। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं गुजरात में स्थित कच्छ के रण के बारे में, जो कि भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। कच्छ गुजरात के उत्तर पूर्व में फैला हुआ एक वीरान प्रदेश, जहां सिर्फ रेगिस्तान है। रण का अर्थ होता है रेगिस्तान। ये हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अहम है, क्योंकि यहीं से भारत पाकिस्तान बॉर्डर भी है, और कई बार आतंकी यहां से आ जाते हैं, जिसके लिए यहां आर्मी की कड़ी पहर रहती है। पहले कच्छ का रण पूरा भारत का हुआ करता था, पर 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने अचानक इस जगह पे हमला कर दिया और इसके कुछ भाग पे कब्जा कर लिया। जवाबी हमला भारत की तरफ से भी हुआ, लेकिन ब्रिटेन ने इसमें हस्तक्षेप करके मामला अंतर्राष्ट्रीय बना दिया और 19 फरवरी 1968 में एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान ले गया। ये लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि समुद्र का एक संकरा अंग है। यहाँ सबसे अधिक भूकंप आते हैं और गर्मियों में इसका तापमान बढ़ के लगभग 50 डिग्री हो जाता है, जो कि जानलेवा होता है, और ये भारत का सबसे गर्म जगह है। गर्मियों में यहाँ तपन लगती है और सर्दियों में बर्फ जमती है। रेगिस्तान की मिट्टी होती ही कुछ ऐसी है। सर्दियों के मौसम में यहाँ बहुत सुंदर सी चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। और तो और, रण ऑफ कच्छ फेस्टिवल तो जानते ही होंगे आप, वो भी यहाँ सर्दियों में ही होता है। पर अगर आप उसके बारे में नहीं जानते, तो हम आपको बताएंगे रण उत्सव के बारे में। उसके लिए देखते रहिए हंगामा गुजराती।